करिए आप सभी, करिए डिफ्रेंशिएशन। देखिए इनका 14 रूट एक्स और 4 रेज टू पावर 1 बाई टू, ठीक है, एक लाइन में करो। डी बाई डी एक्स पहले पावर का हो गया, पावर आगे पावर कम, ठीक है, मैंने दोनों पार्ट ले लिए ना उनके, दोनों पार्ट ले लिए, बाद में फिर ढूंढता करे, ठीक है, फिर को मंगा के देता हूँ। दो पार्ट तो कहिए, एक पार्ट की कमी आ गई। इनटू डेरिवेटिव अब देखिए बेटा, पावर का होते कोट इनवर्स का, कोट इनवर्स का होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोट इनवर्स का होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जो आपका फंक्शन है उसका स्क्वायर, इनटू आप अंडर रूट का डेरिवेटिव फंक्शन का, और अंडर रूट का हम कई बार बता चुके वन बाई टू रूट एक्स, इससे आगे ना सोल्व मैं करूंगा, ठीक है, अगर तुमने करना है कर लोगे, चलिए हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो दे देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन वो हैं जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का आपस में टकराव होगा और वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जब वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके लिए उनकी कैलकुलेशन भी इजी बन जाएगी। देखिए अब उसके बाद बताइए मुझे क्या होगा, साइन इनवर्स कोस इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स साइन एक्स, बताओ कैसे करोगे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री मिल रही हो, जैसे बाहर इनवर्स है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, कोशिश करो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो देखिए आपको इस साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे बेटा, साइन को लिखेंगे आप कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल का रोड़ा ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वैसे करोगे आंसर मैच नहीं करेंगे, फिर मेरे को दोस्त मत देना, कब तो वैसे भी सकते थे, लेकिन जब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो तो किसको कोस बनाओ, तो साइन को हम कोस पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आ जाएगा और ये पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब आप इजिली डेरिवेटिव निकाल सकते हो, पाई बाय टू का जीरो एक्स का वन, पाई बाय टू का जीरो और एक्स का वन, ठीक है भाई। देखिए जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस रूट एक्स, आपके पास दो ऑप्शन है, बाहर टेन इनवर्स है इसको टेन में बदल सकते हो, उसको कोस को टेन में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते ना, वहां तो आपने बदल दिया था साइन को कोस, तो आप ऐसा करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल कर दीजिए, टेन इनवर्स का बेटा वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका एक्स है, वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव अंदर वाले का, हो गया,
जो आपका हो चुका है उसके साथ मेहनत नहीं करनी है। आप कोस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है भाई? समझाने में बताओ कहां का सच छोड़ते डेली काम करना शुरू कर दो, समझाने में कसर नहीं छोड़ता बेटा। सर कोस एक्स का सेक कैसा होता है ना? 1992 से पढ़ा रहा हूं, 30वां साल चल रहा है। कितने बच्चे पढ़ाए? एक साल में 100-125 बच्चे निकालते थे, 150-200 बच्चे हमने एक साल में निकालते एक क्लास के, प्लस टू प्लस टू। और स्कूल के अलग से होते थे टाइम तो भरना हो तो वैसे किससे होगा? और किसे? हाँ जो कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्ट कर लो। ये थोड़ा फास्ट था चला है कभी तुमने में बेटा, इस वाले को आप डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन फिर आपके आंसर मैच नहीं करेंगे। अगला कहता है भैया माइनस वन आंसर नहीं आया तो क्या करोगे? फिर बाद में कैंसिल करते फिर एक आध नंबर दे देगी, मान ले तो एक नंबर का ही है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन तो चार है, एक नंबर का क्वेश्चन है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमने कोशिश करनी है कि वो हमारे सामने नहीं आए, और आपकी भी हम कोशिश करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में कि वो गायब हो जाए या इजी हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखिए आपके सामने, कोट इनवर्स कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपके पास इसके दो ऑप्शन है, ठीक है? एक तरीका तो जो आप लोगों के पास पहले ही था, देखिए कोट इनवर्स में मैं कभी भी काम नहीं करता तो इसलिए टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो ये आपका अंदर का फंक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा हमने बताया था कि भी कोट इनवर्स एक्स जो है वो टैन इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, ठीक है? उसके बाद बाहर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप कोशिश कीजिए कि x को साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट और कोट में से कुछ ऐसा कुक करना है कि बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन का फार्मूला बन जाए। आप वैसे भी करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये लेंथ ही जाएगा और हमने समय भी बचाना है। देखिए क्या करेंगे, हमने देखा कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, सबसे पहले हमने साइन रखा कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, हमारा बात नहीं बन रही है, कोई फार्मूला मेरे पास ऐसा नहीं है, ठीक है? फिर मैं अगर टेन इनवर्स है तो मैं टेन ही रख के देखता हूँ, 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10, हमारे पास 10 का ऐसा कोई फार्मूला आता है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 10 थीटा, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दुश्मन है ट्रिग्नोमेट्री, कोशिश करनी है आपस का इनका झगड़ा हो जाए और हम फायदा उठा लें। समझ में आ रहा है? मान सिंह यार पहली बारी में परेशान नहीं होना है, क्या पुट करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्वेश्चनों से प्रैक्टिस से पता लगेगा। मैं भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो पुट करके देखता हूँ कि क्या मैं साइन रखता हूं तो मुझे कुछ फार्मूला मिलेगा, कोस इनवर्स कोस का आता है तो कुछ फार्मूला मिलेगा, हो गया? अब देखिए एक चीज और कर दीजिए आप यहाँ पे कि ये टाइम ये इनवर्स यहां आ जाएगा, ये टाइम यहां आ जाएगा तो आपका टाइम इनवर्स एक्स से इस तरह टू थीटा बन जाएगा, ठीक है बेटा? नो डाउट, ठीक है? अब देखो बेटा ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10। ये हमारे पास फार्मूला है, आप लोगों को सभी को मैं
टेन पाई बी फोर माइनस थीटा, ये सारे याद हो जाएंगे नालायक से नालायक बच्चों, क्योंकि यूज इतनी बार होता नहीं, बोर्ड कितनी बार लिखते। मैं बार बार लिखने के पीछे मकसद क्या होता है, बच्चे के बार बार आंखों के सामने आते प्लस, पहचान क्या है, जो ऊपर साइन है वही आना, टेन पाई बी फोर प्लस थीटा, क्लियर है। अब ये बेटा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बी फोर प्लस थीटा, पाई बी फोर और थीटा की जगह आप लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। देखो क्वेश्चन तो आप कैसे भी करोगे वो तो जाएगा, लेकिन हमें समय भी बचाना है, पाई बाई फोर का जीरो और टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स लिया, बताओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहां मुश्किल है। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी रखने पड़ेंगे, और इस सब के लिए हम लोगों ने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। तेरे पास तो देखो फार्मूले चिपका भी रखे हैं इसके पीछे, फिर तो दिक्कत भी कम से कम नहीं चिपका रखे मैडम से। साइंस की केमिस्ट्री वाली कब से कह लो जाते हैं टाइम टेबल चार से पांच ऑनलाइन के नंबर, ऑनलाइन के नंबर तो मेरे अपने बच्चे के भी आएंगे ना, तो मैं उसके भी भरोसे नहीं करता कि कितने नंबर उसके सही है कितने गलत, गलत तो नहीं कर रहा बताना नहीं भाई साहब, मैं भी तो बता कितने नंबर आए आउट ऑफ ठीक है अच्छा है नॉट बैड, लेकिन कहने का मतलब ये है बेटा कि ऑनलाइन के नंबरों पर तो ना कुछ भरोसा सा उठ गया। चाहता है ज्यादा क्वेश्चन करो मेरे से पूछो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन वो पार्ट हैं कि जिसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, बाहर वाला जो इनवर्स है आपको ये सोचिए बाहर कोट इनवर्स है तो इसको कोट बनाना है आपको, ठीक है। बताइए वन प्लस कोस एक्स क्या होता है, बार बार बताता रहता हूं, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। मीटिंग देखते रहना कभी सिटी मीटिंग खत्म हो जाए हम चालू रहे, टू से टू कैंसिल कर दिया कोस से कोस कर दिया y is equal to cot inverse cot x by 2, तो विमान सी वाई फाई लगवा दिया घर पे, नहीं cot inverse से cot कट गया अभी तो नहीं मोबाइल होते नहीं चलता मोबाइल से नहीं बात मोबाइल में आधी बार आवाज ही नहीं आती बच्चा ही चिल्लाता रहता है टाइम होगा क्या कहता अच्छा ठीक है भाई इजी है उसके तो नहीं है ना भाई नहीं आ रहा समझ में पूछ लेना। अब ये कहो जी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी मैं बताऊं तो भाई संभव नहीं है मेरे लिए। और देखो ये आपके पास है बेटा टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कैसे करेंगे नजर बता। बताओ बेटा कैसे होगा सर, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ को,
मैं इसको सुनता रहता हूँ, टेस्ट होता रहता है कहाँ मैं ठीक हूँ। समझे भाई? नहीं, पिछले साल चली गई थी भाई, जब तेरे को हुआ था ना, तो उस वक्त मेरे को ये स्मेल चली गई थी, तब मुझे एहसास हुआ था कुछ कुछ तो हुआ, लेकिन रही 2 से 3 दिन बस, मुझे ज्यादा मतलब बहुत माइनर लगता है मुझे पिछले साल हुआ। बेटा फोर्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में। टारगेट वही है कि आपको बाहर टेन इनवर्स है तो 10 का फार्मूला बनाना है। अब आप कैसे बनाते हो ये आपको सोचना है। तो बन गया, क्या बन गया फिर बताओ? 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। बेटा कितनी बार बता रहा हूँ मैं, कितनी बार उसको तो यूं कहेगी, जो अच्छा बच्चा है ना तो वो तो सोचेगा, ठीक है, अक्सर टाइम पास कर, ठीक है भाई। 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, 10 π/4 x का फार्मूला बन गया। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया बेटा, π/4 x। अब आपका डेरिवेटिव होगा माइनस π/4 का 0 और -1। क्लियर है? बताओ किसी को डाउट हो। ठीक है, एक एक दो पार्ट छोटे हैं वो आपने कर ले, नहीं आए तो आपने पूछ रहे हो। हो गया भाई? भाई साहब अपने बीच में रख लो, इसी साइज का है या बिजली का है? उसी का बता दे। टेन इनवर्स, हाँ बता, टेन इनवर्स ब्रैकेट है, हाँ बड़ा सा ब्रैकेट है, नीचे लग गया, कोई बात नहीं, एक ही पावर 1/2, एक ही पावर 1/2, 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2। अरे ये पाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो सीधी आपकी आइडेंटिटी लग रही है, बताओ। अरे सीधा फार्मूला लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई 1 माइनस x1। बेटा वीडियो में लगभग डेली डाल रहा हूँ, आप अपनी लाइब्रेरी बनाओ चाहे कैसे भी अपना स्टोर रूम को कर लो, ठीक है। इस बार मैं डेट वाइज डाल रहा हूँ, पिछली बार हमसे क्या गलती हुई? हाँ जी समझे, समझे, इस बार डेट वाइज डाल रहा हूँ टॉपिक को, ताकि मेरे से बच्चा मांगे तो मैं उसमें से डेट वाइज सिलेक्ट करके ले लूँ। ये टॉपिक मेरे चैनल पर तो मौजूद है सारे के सारे, देखो मिला। अब ये सीधी आइडेंटिटी है, सीधा फार्मूला है, टेन इनवर्स ए की 1/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1/2। बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस x y, सीधा फार्मूला है। अब आप बताइए, अगर x नहीं है, यहाँ x कहीं नहीं है, तो डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, और जब हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x के अलावा बाकी सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और प्लस टेन इनवर्स एक्स की 1/2 का, पहले तो टेन इनवर्स का करिए, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, किसका हुआ ये? टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का क्या बनेगा? 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या किसे दे रखी है? अंडर रूट एक्स ने। अरे बेटा अब होगा, अगर पावर का अगर 1 होता फिर हो जाएगा, टेन इनवर्स की पावर नहीं है बेटा, एक्स की पावर है, तो एक्स की बारी आएगी तभी तो इसका हिसाब किताब करेंगे ना। नहीं नहीं बेटा, कमाल है, जो पावर है वो एंगल में है, तो जब एंगल की बारी आई है, देखिए पहले आपका टेन इनवर्स की बारी आई, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस
एक्स का स्क्वायर, एक्स का मतलब एक्स की 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, जो आपका थीटा था उसका स्क्वायर हुआ, एफ एक्स का स्क्वायर हुआ, इनटू डेरिवेटिव किसका, एक्स की 1/2। ये समझ रही है सर, वो टैन 1/2 के बीच में बेटा दोनों में फर्क है, और एक्स की 1/2 का पावर आ गया पावर कम। दिक्कत पता है तुम्हारी क्या होती है, तुम आगे भागने की कोशिश करते हो, तुम्हें कंसंट्रेट करना है, समझे, लड्डू मिलेगा लेकिन मेरी बारी आएगी तभी तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी है कि मेरी बारी आई नहीं उससे पहले जो है मैं लड्डू ले लूं। तो पहले टेन इनवर्स की बारी आई है, टेन इनवर्स 1/1 + x का होल स्क्वायर, अब एंगल की बारी आई है, करिए पावर आगे पावर कम, भाई पावर किसकी है, पावर एंगल की है, ठीक है ना, क्लियर है भाई, कोई नाराज की फार्मूला कौन सा लगा ये बताना पड़ेगा बेटा, या पता है, कमाल कर दिया, यही तो दिक्कत है तुम्हारी कि फार्मूला एक भी याद नहीं है, x + y 1 - x y, ये आगा, ये आपका आ गया बेटा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + y / 1 - x y, ठीक है, हो गया। देखिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए समय सूचक यंत्र में कितना समय हुआ है, रिज्वाइन करवा दे बेटी, रिज्वाइन कर ले बेटा, सभी रिज्वाइन कर लें।